चलो बेटा करें स्टार्ट। देवर तेने भी कर रखा है ये दिन, नहीं वो देखे देखे थोड़ा जो कि नहीं दिखता तेरे को काय वो आ रहे रिफ्लेक्शन आ रहा का ये लाइट का तो थोड़ा दिखने रहा। इस वाली लाइट का? हाँ बंद कर दे, देखो ये लाइट बंद कर दे ना बेटा, पीछे से होगी। कौन तो सा कौन सा हाँ आगे वाली? चलिए भाई अपन बात कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री की। तो देखो बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अब सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन और आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? वेक्टर इक्वेशन क्या होती है भाई? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और बी वेक्टर उसके पैरेलल वेक्टर। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होती है। यदि मैं इसके कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं, कार्टेशियन इक्वेशन तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास हो रही है, और एबीसी इसके क्या होंगे? ये आपका बी वेक्टर या एबीसी, ये इसके डीआर कहलाते हैं। तो पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो है एक्स वन वाई वन जेड वन, और इसके डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस बेटा ये होता है, आवाज आ रही है ना सभी को ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कभी कभी क्या बोलता है कि बेटा लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा यदि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, टू पॉइंट, यदि मैं वेक्टर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो होता क्या है कि जब लाइन की इक्वेशन निकालते हैं अपन, तो सबो ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये ए है जिसका पॉजिशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये बी है इसका पॉजिशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो यदि मैं लाइन को दो पॉइंट से पास होने की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा। बेटा ये वाला वेक्टर आपको पता होना चाहिए, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ए बी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा। ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? ओ बी माइनस ओ है, और ओ बी बी कितना है? बी वेक्टर वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट से पास होगी तो कुछ इस तरह की बात करें, और इसी में कार्टेशियन में हम बात करें कि सपोज दो पॉइंट है, टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू, सबो ये दो पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो यहां पर कार्टिजन में इक्वेशन ये लिखोगे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चार फॉर्मूले आपके लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इन चार फॉर्मूले से ही पूरी लाइन बनती है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन आगे चलें? चल यस सर। अब देखो, अब इसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस कोई भी दो लाइन के बीच की बात कर रहा हूं।
यदि मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहा हूं कि सपोज लाइन वन है हमारा आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, और हमारा लाइन टू है आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। अब इनके बीच के यदि मुझे एंगल निकालना है तो दो एंगल आएंगे, एक तो एक्यूट एंगल आएगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। तो जनरली हमें एक्यूट निकाल लेना होता है, तो हम इसके लिए इसको मॉडुलस में रखेंगे, और जो भी एंगल है वो इसके डीआर, डीआर मतलब बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा भाई आपका, जैसे आपका वैक्टर में लगता है बिल्कुल वैसे वैसे। कोस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वन वैक्टर मैग्नीट्यूड बी टू वैक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल। अब यहां पर केस बन जाते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, भाई सिंपल सी बात है, यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल होगी तो इसके जो डी आर है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम क्या बोलेंगे बी वन वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर। और यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन बी वन वैक्टर जैसे वैक्टर में होता था डॉट बी टू वैक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। तो यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर जीरो, नहीं दिख रहा हो तो चालू कर ले कोई नहीं दिक्कत, नहीं तो बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर इक्वल टू जीरो, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका एक, अभी सब पे मिक्स प्रॉब्लम करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। इसके बाद होता है क्या है कि सपोज कोई भी लाइन गिवन, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी लाइन गिवन है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री टू वाई प्लस फाइव अपॉन सेवन और फोर जेड माइनस थ्री अपॉन टू। अब क्या दिक्कत है यहाँ पर, ये जो आपको ये लाइन गिवन है ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो होता यही है कि आपको जो भी लाइन गिवन होती है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये समझो, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं लाइन का। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट वन है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट टू है तो टू कॉमन ले लो, तो टू कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा वाई प्लस फाइव बाई टू, ऊपर से फोर कॉमन ले लो अपॉन टू, वैसे ये टू से ये टू कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है वन, इधर टू आ रहा है इधर टू आ रहा है, तो वन टू टू का एलसीएम क्या होगा टू होगा, तो सबको टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये सिक्स इधर टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से टू कैंसिल हो गया तो सिर्फ सेवन बचा, इधर भी टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से टू कैंसिल हो गया तो सिर्फ वन बचा। तो बेटा इसका मतलब है कि ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो है आपका टू कोमा माइनस फाइव बाई टू कोमा थ्री बाई फोर, और इसके जो डीआर है, डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियो, वो है आपके सिक्स कोमा सेवन कोमा वन। अब ये जितनी भी बात बताई ये सबको समझ में आ गई कि बेटा पॉइंट कैसे निकला और डीआर कैसे निकले, बोलिए। हाँ सर, अब मेरे को सबो इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन हो गया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, तो कैसे लिखोगे टू आई के माइनस फाइव बाई टू जे के प्लस थ्री बाई फोर के प्लस लेमडा सिक्स आई के प्लस सेवन जे के प्लस के, दिस इज द, ये इधर लिख देना के, ये आपका इसका वेक्टर इक्वेशन है,
दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। अब क्वेश्चन इस तरह का बनता है, देखो यदि जनरल बनेगा, जैसे लास्ट ये प्रॉब्लम आ चुकी है 2 मार्क में, इफ एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस एंड वेक्टर इक्वेशन। ये लास्ट ईयर आ गई है 2 मार्क्स एंड वेक्टर इक्वेशन। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझना। बेटा एक्स किसके इक्वल है? ए वाई प्लस बी के। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स माइनस बी इक्वल टू ए वाई, तो एक्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन वन लिख देंगे इसको, वाई अपॉन वन। फिर जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, तो ये आ गया जेड माइनस डी इक्वल टू सी वाई, तो जेड माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई अपॉन वन। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो ये वाई अपॉन वन से इक्वेट हो गया, ये आ गया आपका। ठीक है, आगे कर लो। आगे आगे अब ये किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, बताओ बताओ कौन से पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, पॉइंट बोलो सब ऑनलाइन। बी आई के बी प्लस डी को, कोमा बी जीरो कोमा डी कोमा डी, कोमा डी। बेटा यहाँ वाई माइनस जीरो है ना, तो जीरो कोमा डी, और इसके डीआर बोलो ए ए कोमा वन सी वन कोमा सी, और मुझे डीसी निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ बोलो, अंड्रूड ऑफ ए ए अपॉन स्क्वायर प्लस प्लस वन प्लस वन प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर, तो ये इसके और वन अपॉन ये सब लिख देंगे इसे, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर। एक मिनट दोबारा कर देते हैं, लिखो यहां तक। डीसी दोबारा लिख देता हूँ, डीसी ए अपॉन अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर, वन अपॉन अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द डीसी, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस। सर अगर खाली डीसी दे रखे हो और वेक्टर इक्वेशन पूछी है तो बना सकते हैं क्या? उसके लिए पॉइंट भी जब जरूरत होगी बोले, हाँ मतलब पॉइंट दे रखा हो लेकिन डीआर की जगह डीसी हो। बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, डीसी तो निकालना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे, यदि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि यही आपको डीसी की बने, फॉर एग्जांपल, तो इसके डीआर हो गए हाँ ए वन सी, हाँ इसके डीआर हो गए ए वन सी। अपन को जो अनरूट में है उसको छोड़ दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुम बोल रहे हो ना, मैं अभी बात करता हूँ, तो ये तो आ गया आपका। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर ठीक इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन हो गई आर वेक्टर इक्वल टू बी आई के प्लस डी के प्लस लैम्डा
ए आई के प्लस जे के प्लस सी के, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन है। क्लियर? हाँ सर। इस वाले में कोई दिक्कत है बेटा किसी को? आगे चलें। यस सर। देखो जो तुम बोल रहे हो ना, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द, ऐसे बोल दीजिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2, -5, 4 एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन कोसाइन्स आर 2/3, 1/2 एंड -1/4। अब तुमने बोला है डायरेक्शन कोसाइन्स गिवन हो, अब मेरे को डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइन्स है आपके, डायरेक्शन कोसाइन्स 2/3, 1/2, -1/4। तो बेटा 3, 2, 4 का एलसीएम 12, तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 8/3, सॉरी 8, एक सेकेंड, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बेटा, 12 8 6 -3, तो ये इसके डीआर हो गए। तो इसके डीआर क्या हो गए बेटा? 8, 6, -3। आया समझ में आप? नव्या, हाँ सर। लेकिन जैसे अपन डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हैं, तो उसके नीचे जो अंडर रूट में आ रहा है, ए हाँ स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हाँ इसके अंदर तो जैसे वो वाली कोई चीज आई नहीं है अंडर रूट वाली। बेटा वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, डीआर ही अच्छा तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसका फॉर एग्जांपल, मेरे को इससे ये निकालना है तो निकल जाएगा, अभी कैसे आएगा? मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला 64 + 36 + 9, अच्छा ठीक है समझ गई। ठीक है, तो उससे आ जाएगा, उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो, और वो सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारी 6 जो लिख सकते हो तुम, जरूरी थोड़ी है एक ही होगा। किसी ने बोला कि नहीं सर मुझे तो 8, 6, -3 नहीं लिखना, मुझे तो इसकी जगह ना डायरेक्शन रेशियो में तो लिखूंगा 16, 12 और -6, कोई दिक्कत तो। डायरेक्शन रेशियो तो अपने घर की बात होती है, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे किसी ने लिखा 1, 2, -3, ये डायरेक्शन रेशियो है। अब मैं उससे, किसी ने बोला नहीं सर मैं तो -3, -6 और 9 लिखूंगा, तो ये भी डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब है जो उससे रेशियो में हो, तो वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किसी ने बोला कि जैसे इसने बोला तनिक्स ने, नहीं सर मैं तो यही लूंगा डायरेक्शन रेशियो, तो ये भी सही है बेटा। जो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है वो भी डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी हो हाँ सकता है, सर ठीक ठीक है। है। तो बात इसकी इक्वेशन लिख लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर लिख लेंगे। चलो ये तो हो गया आपका, ये अब एक कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट आता है कि जैसे सपोज कोई भी लाइन गिवन है आपको, मुझे कोई भी लाइन गिवन है, जैसे मुझे ये लाइन गिवन है, अब मुझे ये लाइन गिवन है तो इसकी इक्वेशन गिवन है मुझे x-2/3 इक्वल टू y+4/5 और इक्वल टू जेड। इक्वल टू जेड का मतलब है बेटा अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 1। अब मैं इसको लेमडा के इक्वल कर दूंगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया? 3λ+2, ठीक है ना, 3λ+2। y का वैल्यू बताओ सभी, 5λ-4, और जेड का वैल्यू कितना आ गया? लेमडा। अब मुझे इसका ये वाला, सपोज ये वाला पॉइंट पता करना है,
एल, तो मैं इसको ये लिख दूंगा, ये वाला इसका पॉइंट है, जनरल पॉइंट। इसका मतलब लाइन पर कोई भी पॉइंट सपोज करना है तो उसको लैम्डा की इक्वल कर लीजिए, आपका लाइन का पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन का पॉइंट आ गया आपका, कोई सा। तो कभी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट सपोज करना है तो आप इस तरह से करेंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 5 लैम्डा माइनस 1 जेड इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है? लिख लो इसको। अब देखो आप। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा अभी बता रहे। हाँ बेटा बोलो। मुझे समझ नहीं आया, ये लाइन का एक सेकंड, ये तेरी लाइन, नहीं ये लाइन आ गई तेरी, आया, यही समझ नहीं आया। अच्छा तो ये तो मैंने दी है अपने मन से। ओके, फिर ठीक है। अरे यार गजब कर दी है तू, मैं और कहाँ से निकालूंगा? क्वेश्चन मुझे लगा आपने क्वेश्चन में से कहीं से निकाला, फिर मतलब है ही नहीं ना, क्वेश्चन मैंने लिखा अच्छा कहाँ, क्योंकि मैं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। ओके सर। मैं तो जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ, यदि आपको कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है और उस पर कोई पॉइंट सपोज करना है तो आप इक्वल टू लेमडा करके जनरल पॉइंट निकालेंगे। क्लियर? ठीक यस सर। है। अब जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन बैंक में गिवन है, कि जैसे मैंने आपसे बोला कि लाइन की इक्वेशन है x+2/5 y-3/4/3 और z+2/7, और उसने बोला एक पॉइंट a,0,b लाइज ऑन लाइन, फाइंड ए एंड बी। ये लास्ट ईयर आया था इस तरह की प्रॉब्लम, फाइंड ए बी ऐसे पूछा है। अब इसमें भैया लाइज करने का मतलब है वो एक्स और वाई को जेड को सेटिस्फाई करेगा, तो यदि ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है तो एक्स की जगह ए रख दो, वाई की जगह 0 रख दो और जेड की जगह बी रख दो। अब हमारा a+2/5 इसके इक्वल आ गया -4/3 के, तो a+2 हो गया आपका -20/3, तो ए का वैल्यू आ गया -20/3 -2, तो -26/3, ये ए का वैल्यू आ गया, और इसी तरह से बी का वैल्यू आ जाएगा। समझ तो में आया आपको आना क्वेश्चन? यस सर। बाकी लोग यस सर। इसका मतलब ए बी सी कभी भी ऐसा कोई भी आ जाए तो बस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि उसके अंदर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे बी की वैल्यू निकालनी है तो b+2 इक्वल टू -4/3/7, तो b+2 आ गया आपका -28/3, तो b की वैल्यू आ गई -28/3 -2, ये b की वैल्यू आ गई। क्लियर? यस सर। इक्वल टू -4/3 क्यों? ये मेरा -4/3 -4/3 की क्वेश्चन है ना, बस वो तो क्यों, दोनों ही सभी इक्वल है। a+2/5 = a-4/3। हाँ a+2 a+2/5 इक्वल टू -4/3 इक्वल टू b+2/7, तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ ये पूरा इक्वेट हुआ ना a-4/3। है यार, ये 0 है यार, क्या कर रहा है यार तू वही तो? लग रहा। 0 लिख रहा है ना, ये 0 लिख तो रहा है, क्या कर रहा है बेटा? चलिए अगला कंसेप्ट। अब भाई कंसेप्ट तो हो गए, अब इसमें एक आता है स्क्यू लेंस वाला कंसेप्ट भी सुन लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन वो लाइन होती है जो ना तो कभी इंटरसेक्ट करे और ना पैरेलल हो। ठीक है, अब मैं 2 डायमेंशन में नहीं बना सकता, 2 डायमेंशन में तो ऐसे बताऊंगा कि एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, आपको लगेगा ये आगे पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रही, लेकिन अलग अलग प्लेन में है तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होती है a2 वेक्टर - a1 वेक्टर, क्योंकि इस पे आपका प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस है डायरेक्ट फॉर्मूले पे, .b1 x b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 x b2, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, जिसमें पहली लाइन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर
और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्कूल लाइन्स। क्या ये समझ में आया क्या? अब यहां से एक चीज निकल के आती है बेटा, इफ टू लाइन्स आर स्क्यू, यदि कोई भी दो लाइन स्क्यू है तो इसकी कंडीशन आ गई आपकी ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, सिर्फ इतने से भी पूछ सकता है कि बताओ कोई अननोन वैल्यू है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि कोई भी दो लाइन स्क्यू है तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर यहां पर एक और कंडीशन आ गई, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बेटा इंटरसेक्टिंग बोलो ऑब्लिक कोप्लेनर, बेटा ये कोप्लेनर वाला कंडीशन भी यही होता है, एक क्वेश्चन कोप्लेनर वाला कर लेना तुम, यस सर। ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू जीरो, यदि कोप्लेनर है, भाई कोप्लेनर है एक ही प्लेन में है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन, इस पे आपका प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं स्कूल लाइन वाले पे, या तो शॉर्टर डिस्टेंस पूछेगा या फिर इनमें से कोई चीज पूछेगा, इसमें तो आएगा ही सही क्वेश्चन, ये तो पक्का है। अब यहां पर एक चीज होती है कि सपोज कोई दो लाइन पैरेलल है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरा बोल दिया आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। अब हमें यहां साफ दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा बेटा ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, हाँ पैरेलल लाइंस, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, ये पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ क्रॉस आएगा, फॉर्मूले याद रखने आपको, ये है भाई। अब देखते हैं आगे करते हैं इसको, अब एक तरह की इक्वेशन और होती है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन लिख लो पहले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, थ्रू पॉइंट वन कोमा माइनस टू कोमा माइनस फोर एंड पैरेलल टू लाइन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन सेवन इक्वल टू सेवन माइनस फाइव जेड अपॉन टू कोमा जेड इक्वल टू माइनस टू। फाइव आई सॉरी, सेवन माइनस फाइव आई अपॉन टू कोमा जेड इक्वल टू माइनस मोटर चलानी पड़ेगी, अभी टाइम नहीं है। आप तो एक काम करो, रुको एक सेकंड।
बेटा आवाज आ रही है? ठीक यस सर। है, अब देखो ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन कोमा माइनस टू कोमा माइनस फोर इज एक्स माइनस वन अपॉन ए, वाई प्लस टू अपॉन बी, जेड प्लस फोर अपॉन सी। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन 2x+3 अपॉन 7 इक्वल टू 7 -5y अपॉन 2 कोमा जेड इक्वल टू -4। अब ये लाइन सही नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 2 कॉमन आ रहा, तो x+3/2 अपॉन 7, यहाँ -5 कॉमन आ रहा है, y -7/5 अपॉन 2 इक्वल टू। अब इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट होगा इक्वल टू में कौन बताएगा? z+4/0, कैसे कन्वर्ट होगा? z+4/0 ये इक्वल टू में कन्वर्ट होगा। अब 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 70/2 35, तो अपॉन में 35 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई कर 20/-5 -4, तो ये -4 हो गया, कोमा z+4/0। अब इसके dr आ गए हमारे 35, -4, 0। अब ये dr है तो इस लाइन के dr भी यही होंगे क्योंकि पैरेलल है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई x-1/35 इक्वल टू y+2/-4 इक्वल टू z+4/0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आंसर है। तो ये कोमा वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? यस सर। बोलिए, इस तरह से होता है। अब देखो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर गिवन है आपको, तो आपको लेमडा वेमडा इस तरह की कोई वैल्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ उसको। हो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द लाइन्स L1 1 -x/3 इक्वल टू 7 -y -14/p इक्वल टू z-3/2, और L2 7 -7x/3p इक्वल टू y-5/1 इक्वल टू 6 -z/5। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर राइट एंगल ओ
ऑर्थोगोनल, इनका सबका नाम एक ही होता है, कहीं ऑर्थोगोनल लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूजन मत होना। राइट एंगल ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 3, 2, -4 एंड पैरेलल टू लाइन L1, पैरेलल टू लाइन L1। ये है भाई। अब देखो L1 को सही कर लेते हैं भाई, माइनस कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, Z-3/2, सबको 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -21 हो गया ये Y-2/P हो गया, और ये 7 Z-3/14 हो गया। तो हमारा B1 वेक्टर आ गया -21IK+PJK+14KK। अब इसलिए हम L2 को सही कर लेते हैं। सही करना आ गया ना बेटा, कैसे सही कर रहे हैं? L2 है आपका 7-7X/3P इक्वल टू Y-5/1 इक्वल टू, अच्छा सही करना था ना, चलो चलो अभी सही कर लेंगे। तो -7 कॉमन आ गया X-1/3P, Y-5/1 और माइनस कॉमन आ गया Z-6/5। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -21P, नहीं -21P क्यों, -3P, 7 तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो X-1/-3P, Y-5/7 और Z-6/-35। तो ये आपका आ गया बेटा, दोबारा कनेक्ट कर लेना, बंद होने वाला है ये -3P। आई